हमारी नेशनल ट्रेजेडी यही है कि हमें मजहब के नाम पे जाहिल रखा गया। और ये बात सब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखा, एक्सप्लोर किया, इवन सोशल मीडिया यूट्यूब्स के ऊपर भी लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं। लोग हर चंद के एक खौफ है, मुल्ला का खौफ है, मौलवी का डर है, क्योंकि मौलवी को एक बैकअप हासिल है स्टेट एक्टर्स की तरफ से। और ऑब्वियसली अगर हम इमरान खान वाला जो इशू है तो आप को फ्लोट हो चुका है इंटरनेशनली कि किस तरह से विजन कार्ड जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एलिजली या अदरवाइज वो इस्तेमाल किया गया इमरान खान के अगेंस्ट, और आम शहरी जो है उसकी तो कोई वक्त ही नहीं है कि उस विजन कार्ड के सामने वो सर्वाइव कर सके। तो हरचंद के लोग समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, हमारी जो क्लास है जो कि एकेडमिकली इस इशू के ऊपर रिसर्च कर रही है, काम कर रही है, स्टडी कर रही है कि किस तरह से मजहबियात ने हमें ज़िंदगी के हर पहलू में जकड़ के रखा हुआ है। एक तो सीधा सीधा मजहब, उससे हट के मौलवी की अपना मस्जिद को या मदरसे को जो उसने अपने एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर कॉरपोरेशन एक एंटरप्राइजेस बनाया हुआ है, मैं क्या कहूँ उसके बारे में। हम लोगों को खुद अब देखना चाहिए, सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि कराची के वो मस्जिद बिनोरिया टाउन, मदरसा बिनोरिया टाउन के जो मौलवी थे नईमी साहब, उनके फौत होने के बाद उनके अकाउंट्स में से कैश मनी 5.5 अरब रुपए जो है वो निकले हैं। इतना ज़्यादा पैसा एक मौलवी ने होल्ड करके एक जगह पे रखा हुआ था। ये है सूरत हाल, ये तो सूरत हाल इस मदरसे की कि एक्चुअली ये मौलवी का बिजनेस एंटरप्राइजेस है, ये बिजनेस एंटरप्राइज है मौलवी का, जहाँ से वो इकोनॉमिक्स अपनी बना रहा है, जहाँ से वो बिजनेस अर्न कर रहा है। इसी तरह से फिर आगे चले जाएं तो दरबारों की शक्ल में मजहब हमारे पास मौजूद, दर्स ये जो खानकाहें हैं उनकी शक्ल में मजहब हमारे पास मौजूद, ट्रीटमेंट के लिए भी मौलवी हजरात डॉक्टर्स बने हैं, यूरोलॉजिस्ट भी वही है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी वही है, और बाकी सारी चीज़ों में जितनी भी ये एक्यूट किस्म की बीमारियां हैं उन सब का इलाज मौलवी जो है वो अब तो धड़ल्ले से यूट्यूब के ऊपर भी कर रहे हैं। यानी कि वही जो हमें गुमराह करके जहालत के अंदर रखने वाला जो फिनोमेना है वो इस वक्त इस मॉडर्न एरा के अंदर भी वो चल रहा है। हर चंद के हम डिजिटल ग्लोबलाइज्ड जो है विलेज टाइप वर्ल्ड के अंदर इस वक्त रह रहे हैं, लेकिन हमारा मौलवी अपना वो जो हमें उसने जकड़ा हुआ एक मजहब के जाल के अंदर, वो जाल आज तक भी हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहा है, और आज भी मौलवी के अकाउंट से 5.5 अरब रुपए जो है वो निकल रहे हैं। तो हमारी जो लाइफ है, इधर वो सोशल है, इकोनॉमिकल है, बीइंग पाकिस्तानीज योर फैमिली लाइफ है, आफ्टर लाइफ के भी जो हमारे मामलात हैं, जो प्रॉपर्टी की इंटेस्टेटमेंट है या इनहेरिटेंस डिस्ट्रीब्यूशन है, लबला वो सारी चीज़ें भी सब की सब मजहब के लिपेटे में आई हुई है। गर्ज ये है कि मौलवी ने हमारे ऊपर रिलीजन को इतना ज़्यादा इम्पोज किया हुआ है कि नींद से उठना है तो उठना, उससे पहले बल्कि सोना है तो सोने से पहले भी ये दुआ पढ़नी है, उठना है तो ये दुआ पढ़नी है, वॉशरूम जाना है तो ये दुआ पढ़नी है, अंदर पाँव रखना है तो ये पढ़नी है, बाहर निकलना है तो ये पढ़नी है, खाना खाना है तो ये पढ़ना है, इतना खाना है फिर इतना नहीं खाना है फिर इस तरह से खाना है। देखिए, आपने ह्यूमन नेचर के ऊपर इतना ज़्यादा एक नैनो सेकंड्स का भी आपने कहीं भी बीच में जो है वो ह्यूमन नेचर को गैप नहीं दिया, इतना ज़्यादा कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर रिलीजन के नाम पे जो मौलवी ने इंट्रोड्यूस किया, और फिर डिवाइन डेटरेंस इन्हें खुदा के नाम पे खौफ दिला दिला के दोज़ख का और दिस एंड दैट उसको इस तरह से इंजेक्ट किया कि आज हम उसके बारे में सोचते हुए भी डरने लगते हैं, सोचते सारा दिन गुनाह करते हैं लेकिन सोच को बदलते हुए हमें जो है वो बहुत बड़ा डर लगने लगता है कि कहीं हम ये ना हो जाए, हम वो ना हो जाए, हम काफिर ना हो जाए, हम भटक ना जाए, हम मुर्तद ना हो जाए, हम ये ना कर बैठे, हम वो ना कर बैठे। भाई आप अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली सारा दिन गुनाह करते हो, जैसे मेरे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि पर्दे के पीछे
हम एक बिल्कुल अपनी पर्सनल लाइफ जीते हैं जिसमें बीसियों गुनाह भी शामिल है, रियाकारी शामिल है, नफकत शामिल है, रिश्वत सतानी शामिल है, शराब नोशी शामिल है, ये सारी बुराइयाँ ये पाकिस्तानी मुस्लिम्स को एडमिट करेंगे आंखों से देखी जो है वो सूरत हाल है सारी, लेकिन पर्दे के सामने जाते हैं तो सामने मौलवी के खौफ से हम हिपोक्रेट बन के सारी चीज़ें वही वाली करना शुरू कर देते हैं जो हमें मौलवी ने प्रोफेस की हुई है। तो हमारी जिंदगी का जो सर्कल है उस सर्कल की हर मूवमेंट के ऊपर मौलवी ने कोई ना कोई बैरिकेड लगाया हुआ हमारे ऊपर मजहब के नाम। तो अब तो लोग हैं जिनकी रिसर्च जिन्होंने की है और वो बता रहे कि किस किस तरह से, एक बड़ी अच्छी बात आई, डॉट रिमेंबर द नेम, बड़ा अच्छा उनको यूट्यूब पे पढ़ा है कि मौलवी ने अरब कल्चर में जो एक्चुअली इस्लामिक फिनोमेना था उसको उन्होंने यहाँ के साउथ एशियन कल्चर के अंदर रख के और मोल्ड करके और एक नया प्रोडक्ट बना के और हमारे यहाँ पे लॉन्च कर दिया। और फिर वही बात जो मैं कह रहा हूँ कि डिवाइन डेटरस का जो हथियार है मौलवी के पास वो इस्तेमाल करके हमें उसके ऊपर इतना पक्का पाबंद कर दिया कि हम उससे निकलने के लिए सोच भी नहीं सकते, डर जाते हैं, खौफ आ जाता है। भाई आपसे किसने कहा, दुनिया का कोई मजहब, कोई फिलोसफी, दुनिया की कोई थ्योरी, दुनिया के कोई फिलोसोफर, या जैसे ये हमारा जो एक है जो अरब कल्चर जो सिलसिला है यानी कि पैगंबरों वाला जो सिलसिला है, दुनिया का कोई पैगंबर, कोई फिलोसोफर, कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई थ्योरिस्ट कभी भी रिसर्च करने से मना नहीं करता है। रिसर्च करना, एक्सप्लोर करना ही तो इंसान की एक्चुअल फितरत है। इंसान को कुदरत ने इस ग्लोब के ऊपर जो भेजा है, अगर आप उसको एक्चुअली डीपली स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इंसान किसी चीज़ की खोज में यहाँ पे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो डिस्कवर करने के लिए हमारी भागा दौड़ी लगी हुई है। आप किसी ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हो के नीचे नज़र मारें तो आपको भी दौड़ती चलती भागती रेंगती जो गाड़ियाँ, लोग हाथों में सामान बैग उठाए हुए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। फिर थोड़ा और ऊपर चले जाएँ तो आप देखेंगे डेली पे बनने के हजारों की तादाद से फ्लाइट्स इधर 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 क्यों घूम रही हैं। ऐसे लगता है कि इंसान मुसलसल किसी न किसी की चीज़ की खोज में है, डिस्कवर करने में लगा हुआ है। और उस बीच में वो कौम है जो इन चीज़ों में से मौलवी के चुंगल में से निकले, उन्होंने एक अच्छा खासा डिस्कवर कर लिया, उस स्पेस तक पहुंच गए। और हम लोग जो फंसे रहे मौलवी के इस मजहब के जाल के अंदर, हम अभी तक वहीं के वहीं उसी सर्कल के अंदर घूम रहे हैं। जरूरत इस चीज़ की है कि बाहर निकलिए, सोचिए, कम से कम सोचना तो शुरू कीजिए, स्टार्ट तो कीजिए अपने तौर पे। आप किसी दूसरे के साथ शेयर मत कीजिए अपने थॉट्स, लेकिन अपने तौर पे तो सोचना शुरू करें कि जब हमारी पूरी वो जिंदगी वो मजहब के लबादे में ओढ़ी हुई है तो फिर हम नाकाम क्यों हैं, प्रोग्रेस जीरो क्यों है, स्टेट लेवल पे फेल, सोशल लेवल पे फेल, इकोनॉमिकली फेल, पर्सनल लेवल पे फेल, बेईमान, दुनिया के एक नंबर के बेईमान हम मुस्लिम जो है वो कौन है, यहाँ की पाकिस्तानी है, हम डॉक्यूमेंटेड है, कोई माने या ना माने, हमारे चपरासी से लेके वजीर आजम तक जो है वो आर्मी चीफ तक जो है वो करप्ट है। तो ये फिर आउटकम इतना बिल्कुल मुतजाद क्यों है,